थोड़ी सी पगली कितनी हसी। पाकिस्तान जहाज में आने से या कराची ट्रेन में जाने से? तुम पाकिस्तान की ट्रेन को नहीं जानते, ये बीच जंगल में रुक जाती है। अच्छा, फिर तो और भी एक्साइटिंग होता होगा ना? वेरी एडवेंचरस। बिल्कुल। अच्छा सुनो, देखो ये सीट भी मैंने अपने नाम से बुक करवा दी थी ताकि तुम सेफली इस कंपार्टमेंट में कराची पहुंच जाओ अकेले। क्या आप यार, आप भी अकेले सफर करना भी कोई सफर होता है? अच्छा होता अगर कोई हमसफर साथ होता तो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, किसी ऐरे गहरे को अपने साथ यहाँ बिठा भी मत लेना। और सुनो, और अपने डॉलर्स तो बिल्कुल बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, लोग सूंघते हुए जाते हैं। क्यों निकालूंगा अपने डॉलर्स? मुझे बात बताएं, आपका भी साथ चलने कह रहा था? जी नहीं। सुनो, ट्रेन 10 मिनट में चलने वाली है, अब जाइए। मैं चली जाऊंगी लेकिन तुम मेरी आखिरी बात कान खोल के सुन लो। इस बास्केट के अंदर खाने की चीजें और चाय का सामान रखा हुआ है, बाहर से कुछ खाना लेके खाने की जरूरत नहीं। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, जाइए। ठीक है, ओके ओके बाय। खालिद भाई, मेरे भाई, अपना ख्याल रखना। अच्छा जाइए, चल पड़ेगी ट्रेन। ओके, अल्लाह हाफिज़, मैं कॉल करूंगा आपको। अल्लाह हाफिज़, बाय। Very nice. पता नहीं उनके पास वाईफाई भी है कि नहीं। Oh, great. Wi-Fi. सुनो लड़की, रुको, रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी पुलिस बुला लूंगा। सुनो लड़की, रुक जाओ। कौन है? टीटी सर। टीटी नहीं है, इसके हाथ में टीटी है। अब प्लीज सर, आपका टिकट। जी। ए, तुम्हारा टिकट कहाँ है? ए, क्या है बे, किस लहजे में बात कर रहे हो? लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? तमीज मुझे बाद में सिखाना, पहले तुम अपना टिकट दिखाओ। ना दिखाऊं तो? मुझे मालूम पड़ गया था कि तुम बगैर टिकट के सफर कर रही हो। क्या हैसियत है टिकट की? बेजमीन रिश्वतखोर ऑफिसर। तुम जैसे बेजमीन ऑफिसर की वजह से आज पाकिस्तान रेलवे का ये हाल है। मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूँ, समझे? हाँ, टोन देखिए अपनी, जरूरत से ज्यादा बेसियार खोरी करते हो तुम। हाँ खा के फट जाओगे किसी दिन। हाँ तो खाता हूँ ना अपने पैसों का, तुम्हें क्या? बेसियार खोर होने के साथ साथ आप तो झूठे भी निकले। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि तुम जैसा मुफ्ता पूरे पाकिस्तान रेलवे में कोई नहीं होगा। रहने दे, टिकट दिखा। देखिए ये मेरे साथ है। ये आपके साथ? जी। सुने, ये बात आप पहले नहीं बता सकते थे? आपने मौका ही नहीं दिया। इनकी जगह तो रेलवे में 4 आदमी मुलाजिम रख सकते, बातें भी कम और काम भी ज्यादा करते। तुमने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, इन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा। मोटे आदमी को जिंदा रहने का हक नहीं है क्या? जी नहीं, तुम्हारी वजह से ना रोजाना 3 लोग भूखे सोते हैं। हशर देखा है अपना, इस कदर मोटी तोंद, तौबा। तुम्हारी वजह से तो कुछ दिन बाद ट्रेन के दरवाजे भी बड़े करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें, देखिए मेरी बात सुनिए, आप प्लीज यहाँ से जाइए, मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रही थी,
मजाक उड़ा रही हूँ। तेरी वजह से मैं जगह जगह जलील हो रहा हूँ, मगर खैर है। बड़ी बेगम, खालिद मियां अमेरिका से सीधा कराची आ सकते थे, फिर भी वो लाहौर से होते हुए आएंगे, समझ नहीं आ रहा मुझे। मुंशी जी, खालिद को जिद थी कि वो अमेरिका से आके सबसे पहले लाहौर जाके शेजी से मिलेगा और फिर वहां से वो ट्रेन के जरिए कराची आएगा, बस ये बात। मैं समझ गया जी, खालिद मियां वैसे भी सबसे प्यार भी तो बहुत करते हैं। जी जी। अच्छा मुंशी जी, एक काम कीजिएगा, खालिद इतने दिनों के बाद अमेरिका से आ रहे हैं ना, तो उसके इस्तकबाल के लिए बहुत सारे फूल मंगा लीजिएगा, आखिर वो हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करके जो आ रहा है। जो अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर 10 देगे भिजवाना ना भूलिएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, सारे इंतजाम आपको बिल्कुल मुकम्मल मिले। ठीक है। किटी से जान बचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं आपके कदमों में गिर जाऊंगी। मुझे कदमों में गिराने का शौक भी नहीं है। तो फिर क्या शौक है आपको? टिकट खरीदने का टाइम नहीं था मेरे पास, आप मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की मत समझिएगा। ऐसी वैसी से बुरा? काफी गहरे आदमी लगते हैं, लग रहा है किसी बाहर मुल्क से तशरीफ लेकर आए। जी हाँ, अमेरिका से आ। ट्रेन में सफर करने का मकसद? आप जैसे लोगों से मुलाकात, वैसे आप मुंह फट होने के साथ साथ काफी जहीन भी हैं, और आपने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। ये मैं आपके साथ भी कर सकती हूँ। देखें, अगर आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप लेडीज कंपार्टमेंट में भी जा सकती हैं। क्यों, क्या कभी कोई अकेली औरत किसी मर्द के साथ सफर नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। हाँ, याद रखिए, औरत और मर्द हर चीज में बराबर है। और कुछ चीजों में तो औरत बहुत आगे भी है। क्या मतलब? हाँ, समझ रही हूँ मैं आपके लफ्जों में छुपा हुआ तंस। जब तक औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक नहीं मिलेंगे ना, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। I 100% agree with you. बिल्कुल ठीक है आपने। ठीक कह रही हो। तो फिर एक कप चाय मुझे भी पिला दो, अकेले अकेले चाय के मजे ले रहे हैं। तो I'm really sorry, मैं भी बना। चीनी तो पूछ ले। चीनी कितनी लेंगी आप? नहीं भी की चीनी। राजा, मुझे सबके के बकरे लेने भेजा था, क्या उनके शिकार पे चला गया था तू? जी मैं वो आतिशबाजी वालों को लेने चला गया था। आतिशबाजी? और डॉक्टर साहब बड़े दिन बाद आ रहे हैं ना, तो मैंने सोचा थोड़ी आतिशबाजी तो होनी चाहिए ना। सारी दुनिया इंसान बन जाएगी, गधे का गधा ही रहना। मुंशी जी, अब मुझसे क्या गलती हो गई? तूने कुछ नहीं किया मेरे बच्चे, हमसे गलती हो गई जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुझे दे दी। अब इस अक्ल के दुश्मन को कौन समझाए कि डॉक्टर साहब दिन में आएंगे? अब दिन में जाहिर है इंसान तो नहीं, गधे ही करेंगे आतिशबाजी और खुद वही देखेंगे। मुंशी जी, इसके सर में इंसान का नहीं बंदर का दिमाग है। नहीं, बंदर फिर थोड़ा समझदार और अकलमंद होता है। ओ जी, ये कौन सी अकलमंदों की शहजादी है? बड़ी मालकिन के सारे बादाम चोरी करके खा जाती है और मोबाइल में कार्ड लोड करने से फिर नहीं आता। बंद करो दोनों अपनी बकवास। राजा ये बताओ, सदके के बकरे कहाँ हैं? बकरे?
लो जी, एक काम बोला था सुबह से, वो भी नहीं करा चरखे ने। जा रहा हूँ जी, मैं जा रहा हूँ। इससे पूछ तो नहीं जा कहाँ रहा है? जानता हूँ मैं, वो आतिशबाजी का सामान लाना है ना जी। फिर वही आतिशबाजी? ओह याद आया, इजी लोड करवाना है। बकरे लाने, सत्य के बकरे। जानता हूँ, वही तो जा रहा था, खाम खा आप लोगों ने मेरा टाइम खराब कर दिया। जा जल्दी रानी, इधर आ, थोड़ा सा काम है ये देख। इस अखबार से आपको टेंशन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और आपसे बात करके? क्यों, खुद से बात करते हुए आपको टेंशन हो रही? नहीं, टेंशन तो नहीं, लेकिन आप तजस्सुस जरूर कह सकती हैं। अब बस मेरे बारे में जानने ना बैठ जाइएगा। क्यों, क्या बहुत शर्मनाक तारुफ है आपका? जी नहीं। वैसे आप किस खेत की मूली है? मेरा नाम खालिद है और मैं अमेरिका से साइकियाट्री में पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा लेकर आ रहा हूँ और अब कराची जा रहा हूँ। वाह, तो यानी कि आप साइकियाट्रिस्ट हैं, पागलों का इलाज करते हैं? नफ्सियाती मरीजों का। हाँ तो हमारे उन्हें पागल ही कहते हैं और यहाँ साइकियाट्रिस्ट के पास जाना कोई पसंद नहीं करता। जी, क्योंकि यहाँ कोई अपने आप को पागल नहीं मानता ना, तो लिहाजा आप अपना बोरिया बिस्तर बांध दें और जाएं यहाँ से। क्या कर रहे हैं आप? जी जी नहीं, एच, और एच से होता है हैंड, और आपके साथ हैंड हो गया। देखिए, पाकिस्तान में हर दूसरा आदमी नफ्सियाती मरीज है और उसका इलाज बहुत जरूरी है। मतलब हम दोनों में से कोई एक पागल है। नफ्सियाती मरीज? अमेरिका में लोग सेटल होने की तमन्ना करते हैं और आप वहां से साइकियाट्री पढ़ के पाकिस्तान आ गए, वहीं पे सेटल हो जाते ना, कम से कम पैसे तो डॉलर में कमाते। ये तो है। तो फिर हम दोनों में से पागल कौन हो? वैसे आपसे बातों में जीतना बहुत मुश्किल है। मैं जरा आती हूँ फैशन। जुबी, तुम्हें अब नए जमाने के तौर तरीके सीखने चाहिए। खालिद मियाँ भी चाहेंगे कि उनकी बीवी उनकी तरह पढ़ी लिखी समझदार हो। अम्मी, खुदा ना खास से मैं क्या जाहिल हूँ? अरे बेटा, मेरा ये मतलब अम्मी वो एक खानदानी शख्स है और उन्हें घरेलू बीवी ही पसंद होगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना अरसा अमरीका में रहा है, कुछ तो तब्दीली आई होगी ना। अम्मी अब खामखा परेशान हो रही है, यहाँ पर आने से पहले मेरी बात हुई थी उनसे। अच्छा, क्या कह रहा था? कह रहे थे कि वो यहाँ आने के लिए बहुत बेचैन है। तुमसे मिलने के लिए बेचैन था या नहीं? अम्मी, अब मैं बेशर्मी वाली बातें तो नहीं करूंगी ना उनसे। सुबी, सुबी, देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू के मरने के बाद भाभी जान ने इतने अरसे तक, इतने सालों तक हमें अपने घर में रखा। अब हमारा मुस्तकबिल उसी सूरत महफूज रह सकता है कि खालिद खुशी खुशी तुमसे शादी कर ले। हाँ, लेकिन अम्मी शादी हो जाएगी, मंगनी तो हो गई है ना? हाँ, फिर भी मेरा दिल। अम्मी, एक तो आपका दिल हर वक्त अंदेशों में घिरा रहता है। भाई साहब ने अपनी जिंदगी में रिश्ता तो पक्का कर दिया था, खालिद इनकार तो नहीं कर सकता, लेकिन बेटा फिर भी मैं तुमसे कहूंगी कि तुम कुछ तो नए जमाने के तौर तरीके सीखो। मैं
मैंने ऐसा भी क्या कह दिया कि आपने तो चुपका रोजा ही रख लिया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे ठीक ही तो कहा था मैंने, आप अमेरिका में ज्यादा पैसे कमा सकते थे। जिंदगी का मकसद से पैसे कमाना ही तो नहीं होता। तो फिर क्या? कोई ऐसा काम करना जिससे आपका जमीन मुकम्मल। तो वैसे भी आपका मजहब और अखलाक दोनों ही बातें सिखाते हैं। तो इसका मतलब है कि आप मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए पाकिस्तान आए। हाँ, और इसमें ऐसा बुरा भी क्या? और अगर इसके साथ साथ मैं अपनी वालदा की थोड़ी सी खिदमत भी करूँ तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। मैं कह रही थी ना, आप बड़े गहरे आदमी। आप क्या करती हैं? मैं लोगों की तरबियत करती हूँ, उनके मुर्दा ज़मीरों को जिंदा करती हूँ, दूसरे लफ्जों में उन्हें आईना दिखाती हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर? हाँ, कह सकते। फिर तो मेरा और आपका काम बहुत मिलता जुलता है। और हम दोनों मिलते जुलते नहीं? हाँ। बहुत अच्छी किताब है, ज़बरदस्त शेर है। इसीलिए तो ये किताब मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ ताकि तुम इसमें से अच्छे से शेर पढ़ सको और डॉक्टर खालिद को मरूब कर सको। वैसे तुम्हें पता है कि तुम मुंशी साहब की बेटी कहीं से नहीं लगती। अच्छा, क्यों? क्योंकि तुम्हें शेर व शायरी का शौक है और उन्हें हिसाब किताब का। हाँ, मेरे बाबा ने मुझे बहुत प्यार से बहुत अच्छी तालीम देके पाला है। अच्छा सुनो, खालिद को भी शायरी बहुत पसंद है। अच्छा, फिर तो तुम खूब इश्क में डूबे हुए शेर याद कर लो। मुझे वैसे ही बहुत सारे शेर याद हैं। इरशाद? बस करो, अभी से तुम्हारा ये हाल है, उनके आ जाने पे ना जाने क्या होगा। चुप कर जाओ हिरा। कौन? सर वेटर। आ जाएं। डिनर का ऑर्डर दे दें सर। वो हमें कोई डिनर विनर का ऑर्डर नहीं करना और इनसे खाना मंगाने की जरूरत नहीं है। अरे, मैंने खाना बनाया था बड़ा अच्छा। सुनो, ये खाना गरम करके लाना साफ बर्तनों में, और याद रखना कोई भी चीज खराब ना होने। जाओ। वैसे ज़हीन होने के साथ साथ आप खासी सलीकामंदी हैं। अभी आपने मेरी सलीकामंदी देखी का है? ऐसा खाना पकाती हूँ मैं कि लोग उंगलियां चट कर जाते हैं, और कपड़े भी मैं अपने खुद सीती हूँ। अच्छा, फिर तो आपके हाथ का खाना खाना ही पड़ेगा। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं नहीं, मैं भी संजीदा ही हूँ। वैसे ये जो लिबास आपने पहना है, क्या ये भी आपने खुद ही सी? लिबास? बड़ी अच्छी उर्दू है आपकी। अमेरिका से आके भी कमाल उर्दू बोल रहे हैं आप। हाँ, ये मैंने खुद ही सिया है, पर दर्जियों की स्टिचिंग मुझे समझ नहीं आती, अजीब टेढ़े मेढ़े डिजाइन बना देते हैं। आप तो एक मुकम्मल औरत हैं। आप मुझ पर शक कर रहे हैं। दोस्तोयेवस्की की एडिट नॉवल पढ़ी आपने? ओह माय गॉड, It's one of my favorite novels. I love it. उसमें जो प्रिंस मुश्किल है ना, बिल्कुल उसकी तरह हूँ मैं। जो बात होती है मुंह पे बोल देती, दिल में नहीं रखती। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अभी आपने कुछ देखा ही कहा है? क्या वाकई देखने जाते हैं? Sure. तो फिर ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर चल रही हूँ।
जी भाभी जान, आपने खालिद मियाँ और जुबी की शादी के बारे में क्या सोचा है? मैं तो ये चाहती हूँ ज़किया कि खालिद कराची आने के बाद सबसे पहला काम यही करे। ठीक कह रही हैं आप। वैसे भी भाभी जान, बहुत देर हो चुकी, अब हमें मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, भाई लड़का भी घर में, लड़की भी घर में, तो फिर देर किस बात की। खालिद मियाँ की पता नहीं क्या राय है, वो अपनी शादी का तस्करा तो करते होंगे। कहाँ, सिर्फ क्लिनिक की फिक्र है उसको। जब भी फोन आता है, क्लिनिक तैयार हुआ या नहीं तैयार हुआ या नहीं, बस यही सवाल करता रहता है। लेकिन मुमानी जान, क्लिनिक तो माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। हाँ बेटा, तैयार तो हो चुका है, लेकिन तजीन और आराइश तो अभी बाकी है ना। फिर डॉक्टरी का जो भी सामान आएगा वो तो खालिद मियाँ आके बताएंगे। बस भाभी जान, आप उससे कहिए कि बेटा शादी कर, ये सारे काम तो जिंदगी भर होते ही रहते हैं। ठीक कह रही हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ। चलो खाना शुरू करो। हाँ जी, लीजिए। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो आप इतने संजीदा होकर खाना खा रहे हैं? आपने बताया नहीं कि आप मुझे अपने साथ अपने घर लेके जा रहे हैं कि नहीं? देखिए, मेरी मंगनी हो चुकी है। गुड। मैं कराची जुबी से, आई मीन अपनी मंगेतर से मिलने जा रहा हूँ। जुबी, मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि आपके उसके ख्याल बहुत अलग अलग हैं। ये बात आप कैसे कह सकती हैं? यकीनन वो आपकी कजन होगी, और मैट्रिक और इंटर के बाद उसको आपके पल्लू से बांध दिया गया होगा, और अब जुबी का मकसद होगा जिंदगी में सिर्फ आपसे शादी। ठीक है, लेकिन उसमें गलती क्या है? अब गलत नहीं है, लेकिन आप बहुत गहरे आदमी हैं, और वो सतही सोच रखने वाली लड़की हो। आप ये सब कुछ कैसे कह सकती हैं? आप तो उसे जानती भी नहीं। मैं पाकिस्तानी लड़कियों की नफ्सियात से वाकिफ हूँ। I can understand, but आप खुद भी तो पाकिस्तानी लड़की हैं। लेकिन मेरा मिजाज आपके मिजाज से मिलता है। आप सिर्फ जरूरत से ज्यादा पुरएतमाद हैं। तो ये तो अच्छी बात है। बाज़ औक़ात बुरी भी हो सकती है। भाई क्या जुबी को ये पता है कि इस साल का अदब का नोबेल प्राइज किसको मिला है? नहीं। क्या उसको ये पता है कि इस साल कौन से एक्टर्स ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए हैं? चलें, क्या उसे ये पता है कि मेसी इस साल किस टीम के साथ सुपर लीग खेले? नहीं। लेकिन ये तमाम बातें आप जानते हैं जुबी ने, और आप चाहते हैं कि आपके होने वाली बीवी को ये तमाम बातों की मालूमात हो, ताकि वो आपसे इन बातों पर तबसरे करें। लेकिन जुबी को तो अफसोस है, सब पता ही नहीं है। आप ये सब कुछ क्यों कह रही हैं? मैं ये सब बातें इसलिए कर रही हूँ कि आपको जुबी से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर मुझे जुबी से शादी नहीं करनी चाहिए तो फिर किसी लड़की से शादी करनी चाहिए? आपको मुझ जैसी लड़की से शादी करनी चाहिए। पानी पिएंगे? मुंशी जी, सारे इंतजाम मुकम्मल है ना? जी बड़ी बहू, सारे इंतजाम मुकम्मल। बगीचे को पानी दिलवा लिया है, सफाई हो गई, फर्नीचर खुद खड़े होकर साफ करवाया और सेट करवाया। बस खालिद में आते ही होंगे। हाँ इंशाल्लाह, बहुत जल्द। और सारी तैयारियां मुकम्मल नजर आ रही हैं। अरे मुंशी जी, फूल कहाँ है? राजा गए ने? अरे तो अब राजा को लेने कौन जाएगा बताइए? क्या किया जाए, एक नंबर का निकम्मा।
आप बेफिक्र रहिए, मैं खुद जाता हूँ, खुद लेकर आऊंगा। जल्दी जाइए, सब ठीक हो रहा है। वैसे तुम हमें आप घर जाने के बारे में मजाक कर रही थी ना, पर आप सीरियस हो गए। That's great, good. इसका मतलब ये है कि आप घर नहीं जा रही, right? कहाँ जाएंगी आप? Anyway, जहाँ भी जाएंगी आप, मेरी गाड़ी आपको छोड़ देगी। मैं आपके साथ चल रही हूँ, ताकि मैं ये साबित कर सकूँ कि आपको जूबी से नहीं, मुझसे लड़की से शादी करनी चाहिए। क्या हुआ? इतने गुमसुम क्यों खड़े? अपने शहर उतरने का इरादा नहीं है क्या? क्या तुम वाकई में सीरियस हो? मेरे और आपके दरमियान सब कुछ एक जैसा सिवाय हिम्मत के। अजीब बुजदिल इंसान है आप। लोग अपनी बीवियों से डरते हैं और आप अपनी मंगेतर से डर गए। मैं कहाँ डर रहा हूँ? जुबी समान समान रखे, आपका शहर आ गया। चल चले, आप छोड़ते मैं समझ। तक आया क्यों नहीं? इतनी देर क्यों हो गई मुंशी जी? मुंशी जी आपको खुद जाना चाहिए था ड्राइवर के साथ। जी लीजिए आ गए। क्या हाल है? बस वही ठीक ठाक। मेरा बच्चा, मेरी जान, अब तुम आ गए हो ना, मेरे दिल को सुकून मिल गया। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। और मैं भी अब आपकी जान छोड़ने वाला नहीं हूँ। वालेकुम फुफो। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई मिठाई खिलाओ ना खालिद मियाँ को। यकीनन आप सब मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि डॉक्टर खालिद के साथ आखिर ये लड़की कौन है। सलाम। ये गुलरुख है, ये चंद दिन के लिए हमारे साथ ही रुकेगी। लेकिन हैरान होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर खालिद सारी दुनिया घूम कर आ रहे हैं, बच्चे थोड़ी घूम कर आ रहे हैं या तुम इन्हें घुमा कर ला रही हो। यकीनन आप जूबी की अम्मी हैं और आपकी शक्ल से लग रहा है कि मैं आपको जहर लग रही हूँ। कि मैं आपको एक बात बता दूँ, डॉक्टर खालिद बहुत समझदार है, मैं उनको घुमा नहीं सकती। बेटा क्या नाम बताया था तुमने अपना? गुलरुख। गुलरुख हाँ। खालिद के साथ आई हो ना बेटा तुम, तो तुम हमारी मेहमान हो और हम सब तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, तुम्हें खुश आमदीद कहते हैं। आप भी खालिद की तरह बहुत अच्छी हैं। तुम जूबी हो ना? तुम बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। खालिद कसम से ये तो मेरे ख्याल से हमें अंदर चलना चाहिए। हाँ थकन बहुत हो गई, उस ट्रेन में तो थक के चूर हो गई मैं। खाने में क्या पका? जा रही हो? वो मेरी बीवी नहीं है। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था बेटा। बस चंदन हमारे घर मेहमान बन के रहेगी। चंदन क्यों? उसे कहो जब तक उसका दिल चाहे रहे और इस घर को अपना ही घर समझे।
मुझे आपकी मेहमान नवाजी का अंदाजा था। अच्छा बेटा, किस काम से आई हो यहाँ? कुछ साबित करना चाहते हैं। क्या? बता दूंगा आपको, आप परेशान ना हो। मेरा बच्चा घर वापस आ गया, बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारी फूफी तुम्हारी और जुबैदा की शादी के बारे में फिक्रमंद है। फिक्रमंद क्यों? देखो ना बेटा, जवान बच्चे हैं उनकी, वो खुद बेवा हैं, तो जाहिर है फिक्र तो होगी ना। मैं आप परेशान मत हो, मैं उनकी सारी फिक्र दूर कर दूंगा। इसी बात का डर था मुझे कि खालिद मियां विलायत से किसी लड़की को अपने साथ ना ले आए। अम्मी वो विलायत से नहीं, अमेरिका से लाए हैं। अरे एक ही बात है, लड़की तो ले आया ना अपने साथ। अम्मी क्या पता किसी काम से आई हो। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, दाल में जरूर कुछ काला है। अम्मी कहीं निकाह तो नहीं कर लिया खालिद ने? पता नहीं क्या गुल खिला कर आए हैं वहाँ। तो फिर उन्होंने मुझसे मंगनी क्यों की थी? भाभी जान ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। रहने दे अम्मी, बेटे की मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगी। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। अम्मी अम्मी क्या पता ऐसा कुछ हो ही ना जैसा हम सोच रहे हैं। अरे अगर हम गलत सोच भी रहे हैं तब भी लड़की तो अपने साथ ले आया है ना वो। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई ऐलान तो नहीं किया। सुबी सुबी तुम्हें कब अकल आएगी, जब वो लड़की इस घर की मालकिन बन जाएगी। अम्मी मैं क्या कर सकती हूँ? खालिद के करीब होने की कोशिश करो, मंगे तो रहो तुम उसकी। उन्होंने तो मुझे सीधे मुंह बात भी नहीं की। उस लड़की की अचानक आमद पर मैं तो बिल्कुल बौखला के रह गई थी। खालिद अभी कहाँ है? भाभी जान अपने कमरे में ले रही है उसे अपने साथ। ये पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। ये तो अब खाने की मेज पर ही पता चलेगा कि वो क्या है। भाई जूबी, तुम्हारे मंगेतर जवान लड़की को घर ले आए, सवाल नहीं करोगी? हमारे यहाँ लड़कियां इतनी बेबाक नहीं हुआ करती। वैसे ये ठीक कह रही है, जूबी को कम से कम पूछना तो चाहिए, मंगेतर हूँ मैं उसका आखिर। मैं बताती हूँ ना, गुलरुख यहाँ किसी खास काम से आई होगी और चंद दिन रहकर चली जाएगी। और ऐसा ना हुआ तो? इनका कहने का मतलब है कि अगर इन्हें कराची पसंद आ गया तो ये कराची में भी काम कर सकती हैं। मैंने कहा था ना आप बहुत गहरे आदमी हैं। अब ये बात छोड़ें, मुझे ये बताएं अम्मी कि मेरा क्लिनिक कहाँ तक पहुँचा? कहीं नहीं, वहीं खड़ा है। बेटा इमारत की जरूरत नहीं थी, यही हवेली के हिस्से को क्लिनिक की शक्ल दे दी गई है, बस अब उसमें सामान डालने की देर है। That's good. कोई जरूरत नहीं इतने पैसे खर्च करने की, इस तरह आपकी प्रैक्टिस नहीं चलने वाली। अरे क्यों भाई, माशाल्लाह खालिद मियां तालीम हासिल करके आए हैं बाहर से, क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि यहाँ साइकियाट्रिस्ट को सीरियस नहीं लिया जाता। तो आपका क्या ख्याल है, मुझे क्या करना चाहिए? आपको चूरन बेचना चाहिए। चूरन? भाई यहाँ पे जिस तरह हर डॉक्टर अपनी डिफरेंट किस्म की चूरन बेच के प्रैक्टिस चला रहा है, उस तरह मस्तन भाई कोई पानी में दम कर देता है, कोई वजीफे दे देता है, हाँ इस तरह आपका भी कोई चूरन होना चाहिए, बहुत हिट हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो बेटा? खालिद मियां डॉक्टर हैं, पीर फकीर नहीं है। एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं, तो फिर आप ही मुझे ये बता दें कि कौन सा चूरन बेटा। म्यूजिक, आपको म्यूजिक थेरेपी करनी चाहिए।
भाई देखिए, म्यूजिक रूह की गजा होती है। जितने भी अपर क्लास है ना, टूट पड़ेगी आपके इस चूरन पे। और फिर बिजनेस ही बिजनेस। मैं जो इतना अरसा पढ़ कर आया, अब आके मैं म्यूजिक से इलाज करूँ? नहीं, इलाज तो आपकी दवाओं से ही होगा ना। क्यों जूबी, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? पता नहीं। जूबी से आप ये पूछें कि कोफ्तों में भुने हुए चने डालते हैं या बेसन, इसे तो ये भी नहीं पता होगा। इतनी खामोश क्यों हो? डॉक्टर खालिद से पूछती क्यों नहीं कि वो लड़की कौन थी? पागल हो गई हो? पागल की क्या बात है, मुझे तो बहुत होशियार लगी। दिल चाह रहा था उसका मुंह नोच लूं। खालिद की मेहमान है। मेहमान है तो क्या हुआ, मुझे तो बहुत तेज लगी। जल्दी उसको यहाँ से 9-2-11 करो। मैं अब्बा से बात करूं? मुंशी जी क्या कर लेंगे? पता करेंगे कहाँ से आई है, कौन है। अमेरिका से ही आई होगी। इतना छोटा बैग लेके? मुझे तो लगता है डॉक्टर खालिद को इसने रास्ते से ही पकड़ा होगा। मेरा तो दिल घबरा रहा और दिमाग काम नहीं कर रहा। कोई घबराने की बात नहीं है, तुम परेशान नहीं हो। कुछ अजीब सी लड़की है ये, है ना जकिया? मुझे तो बहुत बदतमीज सी लगी। बड़ी मालकिन, वो तो खाना खाने से पहले भी ना अपने कमरे में योगा कर रही थी। पता नहीं किसको उठा लाए खालिद मियाँ। वैसे बातें अकलमंदी की करती है। हाँ, अकलमंदी की बातें करती हूँ। अब ये क्या बात हुई, खालिद मियाँ डॉक्टरी छोड़कर मिरासियों की तरह मौसीकी सीखेंगे क्या? रानी खालिद का है? वो जुबी बीबी के पास है। शुक्र है खालिद मियाँ को अपनी मंगेतर का ख्याल तो आया। खालिद बहुत अकलमंद है जकिया, बिल्कुल फिक्र नहीं। तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी है। तो आप भी तो नहीं बदले। तुम्हें कैसे पता? मुझे तो पुराने वाले खालिद ही लगते हैं। शायरी पढ़ी हुई या छोड़ दी? पूरे पूरे दीवान खत्म कर दिए। क्यों, कोई और मसरूफियत नहीं मिली? शायरी और ख्यालात में बहुत फर्क होता है। कुछ लोग अपने ख्यालात और जज्बात को शायरी समझ बैठे। क्या मतलब? मतलब ये कि कांटा आपको चुभा और आप चाहते हैं सारी दुनिया आपके गम में रोए, वो क्यों? तो फिर शायरी होती क्या? शायरी क्या होती है, अपने दर्द को इस फन से बयान करना कि हर आदमी उसे अपना दर्द समझे या अपनी खुशी समझे। तो गालिब ने जो अपने महबूब के बारे में शायरी की थी, वो सब उनके ख्यालात थे। कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब। बड़ा मान था गालिब को अपने आप पर, और जिन लोगों को अपनी जहानत पर और अपने आप पर मान होता है वो बड़ा एंजॉय करते हैं गालिब की शायरी को। क्या बात है। थानेदार साहब, गो कि ये बात बहुत ही शर्मनाक है, पर्चा कटवाने से पहले मैं मौत आ जाती तो अच्छा था। ये मौत की आरजू से क्या फायदा, इस हादसे से पहले अगर आपको अकल आ जाती तो अच्छा नहीं होता। थानेदार साहब,
मेरी बेटी के साथ जो हादसा हुआ है उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी इस ओबाश नौजवान पर आयद होती है, ना ये उसे बहकाता और ना वो। क्या आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है? तबा, 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 मैंने ऐसा कब कहा है? एक तो मेरी बच्ची, ऊपर से इस किस्म के सवालात। मेरी बच्ची के साथ जो हादसा हुआ है वो इस ओबाश नौजवान की वजह से हुआ है। हकीम साहब, आप मेरे बारे में गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ भाई, ओ अल्लाह के वास्ते अपने झगड़े बंद करो और सीधी तरह से किस्सा बयान करो। किस्सा? आप यहाँ पे किस्सा सुनने बैठे हैं? हम कोई किस्सा गो हैं? हाँ, हालांकि हैं तो ये खानदानी हकीम, लेकिन तरीका इलाज निहायत गैर खानदानी है इनका। नजम मियां, ओ यार तू ही बता दे भाई क्या कहानी है। वो दरअसल हम हकीम साहब की बेटी गुलरुख की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाने आए हैं। हाँ,